Hello everyone. In our yesterday's video, we had discussed about Django login, logout, and authentication system. So today we will move further. So we will continue this one, login, logout, and authentication. Last time जो लॉगिन किया था मैंने करवाया था कि एक मॉडल में एक लॉगिन फॉर्म बनवाया था और उसमें हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की थी, डाटा फिल किया था, उसको मैंने एक व्यू पे गेट करवाया एंड उसके बाद हमने इसको ऑथेंटिकेशन यूजिंग बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमने लॉगिन करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था 3 types के यूजर्स को हमने यूज किया था कि अगर यूजर स्टाफ यूजर है, अगर सुपर यूजर है तो वो जो बिल्ट इन एडमिन पैनल है वहां पे जो है रेंडर हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा एंड अगर वो स्टाफ यूजर है तो मैंने अलग HTTP रिस्पांस प्रिंट करवाया था एंड अगर एक्टिव यूजर है तो वो अलग प्रिंट हो रहा था। तो चलो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं सबसे पहले एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करूंगी, इसमें प्रोजेक्ट हमारा एंड मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया और सर्वर को रन करूंगी पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। तो यहाँ पे मैंने कुछ यूजर्स रखे हुए थे, लॉगिन ओपन किया, यहाँ पे यूजर ने मैंने लिखा सच टेक एंड पासवर्ड लिखा, सबमिट किया और ये ने एडमिन के डिटेल्स क्रेडेंशियल्स फिल किए हैं। तो ये एडमिन पैनल पे लॉगिन हो रहा है और इसमें ये कुछ यूजर्स थे, मैंने कल भी कुछ यूजर्स को रजिस्टर किया था। ये देखो स्टाफ है, कुछ एक्टिव है, स्टाफ मतलब जो स्टाफ क्रॉस है मींस की वो एक्टिव यूजर है। कल मैंने एक यूजर ऐड किया था ABCD एंड जैक। ABCD जो है वो है नॉर्मल एक्टिव यूजर, जैक था हमारा जो स्टाफ यूजर। तो इसको मैं अभी यहाँ से लॉग आउट करूँगी और दोबारा से हम लॉगिन करवाते हैं। अब मैं लॉगिन करवाऊँगी जैक को, जैक एंड पासवर्ड भी मैंने लिखा जैक। तो ये आ गया वेलकम जैक, ये सेलर का डैशबोर्ड था। मैंने 3 types के बताया था कि एक एडमिन रखा था, एक सेलर और एक यूजर बायर। तो अब थर्ड वन जो है उसको हम लॉगिन करवाते देख रहे हैं। लॉगिन यहाँ पे मैंने फिल किया यूजर नेम ABCD एंड पासवर्ड भी ABCD, सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये आ गया, ये कस्टमर है, एक कस्टमर थ्री मॉड्यूल बनाए थे, एडमिन कस्टमर एंड सेलर। तो अब इस पे हम करेंगे, मैंने रिफ्रेश किया और इसी को हम आगे कंटिन्यू, मैंने यहाँ पे सिर्फ HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रहा इसका कोड, कोड जो है लास्ट वाला भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, इसकी बिट बकेट रिपोजिटरी, अगर आपने चेक करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखो किया हुआ है कि अगर जो यूजर नेम जो पासवर्ड आया ऑथेंटिकेट किया, अगर तो सुपर यूजर है एडमिन पैनल पे रिडायरेक्ट करवा दिया, ये एडमिन का URL है, और अगर स्टाफ है तो ये सेलर डैशबोर्ड, अगर एक्टिव है तो ये कस्टमर का डैशबोर्ड। अब हम ये डैशबोर्ड बनाएंगे भी, तो मैं एक न्यू फाइल ले रही हूँ, सेव किया मैंने यहाँ पे, इसको हम टेम्पलेट्स में करेंगे। एक तो मैं पहले डैशबोर्ड के लिए इसके टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट फोल्डर में, आप चाहे तो अलग फोल्डर भी बना सकते हो इसके इनसाइड भी, चाहे एक ही फोल्डर में कर लो। इसका जो है एक को मैं नेम रखूंगी कस्टमर डैशबोर्ड डॉट HTML, इसमें नॉर्मल HTML का कोड करेंगे, HTML इसमें भी अगर आपने एक्सटेंड करवाना है करवा सकते हैं। एक्सटेंडर्स इसमें मैंने करवाया जो हमारा बेस डॉट HTML है। और इसके बाद हम यहाँ पे करवाएंगे जो हमारा ब्लॉक था,
ब्लॉग का नेम था कंटेंट एंड एंड ब्लॉग। चेक करते हैं ब्लॉग का नेम क्या था। तो base.html ये रहा ब्लॉग का नेम, हमने इसमें रखा हुआ है ब्लॉग का नेम जो है इसमें है माय ब्लॉग। तो कंटेंट की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगी माय ब्लॉग, और इसमें क्योंकि हमने कंटेनर्स उसमें बंद किए हुए हैं तो इसमें भी नया कंटेनर आएगा div क्लास कंटेनर फ्लूट एंड div क्लास रो एंड div क्लास कॉल md12। और यहाँ पे मैं हेडिंग में लिख रही हूँ वेलकम, जो भी यूजर का नेम है वो आएगा यहाँ पे अपने आप। ये यूजर की ऑब्जेक्ट अपने आप बन जाती है, ये जो है यूजर ऑब्जेक्ट, जब लॉगिन यूजर होता है अपने आप उसकी डिटेल आएगी। यूजर डॉट यूजर नेम लिखाना है तो यूजर का नेम आएगा, यूजर डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखोगे तो यूजर का जो फर्स्ट नेम होगा वो आएगा अगर आपने सेट किया हुआ है। एंड यूजर डॉट लास्ट नेम लिखोगे तो यहाँ पे आएगा लास्ट नेम। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या है, ये है जो कस्टमर का डैशबोर्ड है, कस्टमर डैशबोर्ड। वैसे आपने ये डिजाइन कर रखी होंगे आई थिंक, ये है कस्टमर का डैशबोर्ड। और एक सेम कोड मैं यहाँ पे सेव करवा रही हूँ सेलर का डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड। सेलर के पास अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, सेलर के पास आएगी ऐड प्रोडक्ट, बाकी चेंज पासवर्ड वगैरह के ऑप्शन सेम होती है, माई प्रोडक्ट्स आएगा। और बायर के पास, कस्टमर के पास क्या आएगी कि जो उसने प्रोडक्ट्स पहले से खरीदे होंगे वो सारी डिटेल उसमें आएगी। मतलब इसमें एडिशनल क्या होगा सेलर वाले में कि ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आएगी कि अगर उसने कोई प्रोडक्ट को अपलोड करवाना है। तो ये मैंने किया सेलर .dashboard.html सेव करवाया, इसको मैंने यहाँ पे किया सेव। और ये कौन सा है, ये है सेलर का डैशबोर्ड। ये ध्यान रखना है कि ये टेम्पलेट्स में ही होना चाहिए। तो सेव करवाया इसको, अब चेक करते हैं कि ये हो रहा है या नहीं, एज एक्सपेक्टेड ये चल रहा है ही नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करवाना है कि जो व्यू है व्यू में कब ये रिटर्न होना चाहिए। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पे स्टाफ में कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए सेलर आना चाहिए, सेलर डैशबोर्ड। तो अगर आप यहाँ पे रेंडर यूज करोगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट में मैं अगर यहाँ पे लिखूं सेलर डैशबोर्ड डॉट html, अगर मैंने ये लिख दिया रिटर्न मतलब रेंडर करवा दिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या डिसएडवांटेज है। तो मैंने यहाँ पे करवाया लॉगिन, हमने सेलर बनाया है जैक को, सबमिट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये आ गया सेलर डैशबोर्ड वेलकम जैक, फर्स्ट नेम भी जैक है, का मैंने लास्ट नेम भी जैक रखा था, तो ये तो आ गया। बट यहाँ पे देखो जो URL है वो एक्चुअल में वहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ है, इसको आप रिफ्रेश करोगे तो ये यूजर लॉगिन वाला ही रिटर्न करेगा। तो इसीलिए आपने ये नहीं करनी मिस्टेक, इसमें रेंडर नहीं यूज करना, लॉगिन के बाद हमने इस पे लगाना है ऐसे ही HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, और HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट इस पेज का URL। अब हमने इस पेज का URL अभी तक क्रिएट नहीं किया है, मैंने ये जस्ट जो है ये मैंने बनाए हैं फंक्शन। तो हर एक पेज बनाए हैं HTML पेज, तो इसमें हर एक जो व्यू है उसको हम कॉल कैसे करवाते हैं HTML को यूजिंग व्यू, तो इसका भी व्यू बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेफ, एक है एक कस्टमर का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड होता है वो वाला पेज या वो वाला पूरी स्क्रीन जो आपके लॉगिन के बाद ओपन होती है। तो ये कस्टमर का डैशबोर्ड बना रही हूँ मैं, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैंने रिटर्न किया रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में
हम इसमें बताएंगे कि कौन सा पेज है, कस्टमर डैशबोर्ड डॉट html। ऐसे ही जो हमारा सेलर का डैशबोर्ड है, सेलर डैशबोर्ड, इसमें मैंने किया रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे मैंने किया सेलर, सॉरी रिक्वेस्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे रिटर्न रेंडर, और रिक्वेस्ट व्यू का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं यही रखने हैं डैशबोर्ड। और यहाँ पे मैंने लिखा सेलर, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे वैसे ही मॉड्यूल्स, डैशबोर्ड डॉट html, सेव किया इसको। अब इसमें हम करेंगे इसको URLs क्रिएट करेंगे कस्टमर और सेलर की, तो ये व्यू बन गए। व्यू के बाद हम ओपन करते हैं URLs फाइल, तो URL हमने ऐप वाली यूज़ नहीं की हुई है। ऐप वाली भी URL आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो मेन प्रोजेक्ट की URL है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ये फंक्शंस बन गए हैं। वैसे चलो अभी मैं इसमें इसी में कर देती हूँ, क्योंकि आगे फिर आपको ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी URL लगानी। इसको मैं आपको कहीं बाद में बताऊंगी कि अलग ऐप की URL को कैसे हम कर सकते हैं यूज। फॉर नाउ मैं इसी में कर रही हूँ पाथ। पाथ के बाद ये लगाया कस्टमर का डैशबोर्ड एंड व्यूज डॉट कस्टमर डैशबोर्ड, और नेम मैं इसमें रखूंगी सेम ही रख देते हैं। और अब नेक्स्ट हमने कॉल कौन सा करवाना है, जो है हमारा सेकंड वाला व्यू बनाया है, व्यू हमने बनाया है सेलर डैशबोर्ड, तो इसको भी हम यहाँ पे इसका URL लिखा, देन फंक्शन को कॉल किया और इसका नेम लिखा। ये आपको याद ही होगा कि नेम जो है हम HTML में एंकर टैग में यूज करते हैं, ये वाला जो ऊपर URL होता है। तो रिस्पॉन्स में आपने जहाँ यहाँ पे जो मैं रीडायरेक्ट के लिए बोल रही हूँ उसमें आपने ये वाला यूज करना है जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। तो हम क्या लिखेंगे HTTP रिस्पॉन्स यूज में, कि जब यहाँ पे लॉग इन करवा रहे हैं ना, तो जब यहाँ पे स्टाफ की डिटेल है तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, तो हम इसको रिटर्न करेंगे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट हमने इसको करवाना है सेलर वाले पे, सेलर डैशबोर्ड पे, ठीक है। कौन सा URL आएगा, ये वाला URL। अब कस्टमर के पेज के लिए आएगा कस्टमर का URL, तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स प्रिंट करवाने की बजाय यहाँ पे ये जाएगा लॉगिन के बाद, ये जाएगा इस वाले URL पे रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट में ये वाला कस्टमर का डैशबोर्ड। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट लॉगिन वाला पार्ट, कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है, ऑथेंटिकेट हुआ, अगर उसके पहले यूजर की लॉगिन करवाया, यूजर की टाइप चेक करेगा, सुपर यूजर है तो एडमिन पैनल पे चला जाए, स्टाफ यूजर है तो सेलर के डैशबोर्ड पे, और अगर एक्टिव यूजर है तो वो कस्टमर के डैशबोर्ड पे चला जाए। तो इसको मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद इसमें मैंने चेक मैंने पहले ही आपको दिखाया था, अब मैं ABCD फिल करूंगी। ABCD यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया, ये कस्टमर है, फर्स्ट नेम है ABCD, लास्ट नेम है EFGH, हमने यहाँ पे क्योंकि फेच किया हुआ है कस्टमर के डैशबोर्ड में, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यूजर नेम प्रिंट करवाना है तो यूजर नेम प्रिंट करवा सकते हो, मतलब जो यूजर मॉडल की सभी ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट प्रिंट यहीं पे करवा सकते हो, जो यूजर मॉडल है जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड था। यूजर नेम आप रखोगे तो यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है वो आ गया ABCD, ठीक है। ईमेल भी आप यहाँ पे करवा सकते हो, ईमेल करवानी है तो यहाँ पे आप लिखोगे यूजर डॉट ईमेल। यूजर मॉडल वाली आएंगी, ध्यान रखना है जो यूजर मॉडल की फील्ड्स है, मीन्स की अब इसमें एक और चीज भी है, अगर मैंने यहाँ पे एडमिन को लॉगिन करवा दिया, क्योंकि एक वेबसाइट में एक टाइम पे एक यूजर ही लॉगिन हो सकता है, अलग ब्राउजर पे तो हो जाएगा दूसरा, सेम ब्राउजर में एक ही वेबसाइट है, एक ही इसकी URL है, होस्ट है, तो इसमें एक टाइम पे एक ही लॉगिन रहेगा। अब हमने इसको लॉगिन करवा रखा है ABCD को, तो अब यहाँ पे एडमिन जो है वो
यहाँ पे बता रहा है कि यू आर ऑथेंटिकेटेड एज एबीसीडी बट नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज, क्योंकि एक्टिव यूजर जो है यहाँ पे लॉग इन नहीं कर सकता। यहाँ पे स्टाफ यूजर लॉग इन कर सकता है या सुपर यूजर, तो मैं सुपर यूजर की डिटेल यहाँ पे फिल करूंगी। लॉग इन किया तो यहाँ पे देखो ये वाले यूजर की ये डिटेल आप फेच करवा सकते हो, यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या लास्ट लॉगिन, ये सब चीजें आप इसकी फेच करवा सकते हो जो ये यूजर है। तो हमने अभी सर्चटेक से लॉगिन किया, अभी इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो सर्चटेक की डिटेल आई, क्योंकि सर्चटेक का हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सर्चटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल एड्रेस info@searchtechsolution.com और इसको अब मैंने यहाँ पे कर दिया है सेव। जो डिटेल यहाँ पे होगी रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे यूजर नेम आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ गया, यूजर नेम आ गया और ये ईमेल आ गई। और बाकी के एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि और क्या क्या होती हैं यूजर मॉडल में, ये स्टाफ स्टेटस, एक्टिव स्टेटस, ये कर सकते हो और ये लास्ट लॉगिन और डेट जॉइंट कर सकते हो यहाँ पे प्रिंट। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट लॉगिन, ये लिखा मैंने, तो लास्ट लॉगिन में आप यहाँ पे कर सकते हो यूजर डॉट लास्ट लॉगिन और डेट जॉइंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेट जॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा जो इसमें कॉलम है डेट जॉइंट है, तो बस स्पेस की जगह अंडरस्कोर आएगा डेट जॉइंट, सेव किया। तो यहाँ पे देखो जो जब मैंने इसमें अकाउंट क्रिएट किया था वो डेट आ रही है और जो लास्ट टाइम हमने लॉगिन किया उसकी डिटेल आ रही है कि हमने 5:30 पे लॉगिन किया था। ठीक है, तो ये है आप इसमें कि कैसे आप इसमें लॉगिन करवाने के बाद डिटेल्स को फेच करवा सकती हो। ठीक है, अब और इसमें ये भी है कस्टमर की डिटेल है, तो यहाँ पे आ रहा है कस्टमर डैशबोर्ड वेलकम टू, ये कस्टमर का डैशबोर्ड है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करवाऊंगी, अब मैंने लॉगिन करवाऊंगी नॉर्मल यूजर को एबीसीडी को एंड एबीसीडी, सेकंड वाला यूजर जो है एक सेलर, तो उसके बाद सेलर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा, कस्टमर है, सॉरी कस्टमर है सेलर जैक एंड जैक, लॉगिन किया, देखो यहाँ पे आ गया ये सेलर का डैशबोर्ड। ये मैंने टू अलग अलग डैशबोर्ड बनाए। अब डैशबोर्ड पे और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं सभी में इम्प्लीमेंट, तो उसमें भी आप अलग से भी टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकते हो। कैसे, एक हमने base.html बनाई थी, अब मैं अगर इसमें यूज कर लूँ, मैं एक न्यू, इसमें कंफ्यूज नहीं होना मैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड पे मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएं, तो इसमें भी मैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट, लिख देती हूँ डैशबोर्ड बेस, मतलब एक ए वाली फाइल बनाऊंगी मैं base.html, इसको जो है इनहेरिटेंस तो करवाना ही है इसको, मतलब इसमें ये तो आएंगे ही आएंगे, मतलब दिस वन हेडर एंड फुटर भी आएंगे इसमें, तो हेडर फुटर के लिए तो आप इसी को लिखोगे एक्सटेंडर्स बेस डॉट एच टी एम एल। वैसे अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप जरूरी नहीं कि इनहेरिटेंस यूज ही करना है, तो आप सिंगल ये भी कर सकते हो कि हर एक के लिए अलग 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 पेज बना दिए ऑप्शन। वैसे मैं ये इसीलिए कर रही हूँ ताकि हमें कोड को रिपीट ना करना पड़े, तो मैं यहाँ पे किया ब्लॉक, ब्लॉक को मैंने यहाँ पे लिखा माय ब्लॉक एंड ब्लॉक को हम करेंगे एंड ब्लॉक। अब मैं इसमें क्रिएट स्टार्ट करूंगी एक कंटेनर डिव, डिव एचटीएमएल डिव क्लास कंटेनर फ्लूट
और इसमें हम रो लेंगे डिफ क्लास, रो रो में मैं एक बनाऊंगी लेफ्ट साइड मेन्यू, तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे ले रही हूँ डिफ क्लास कॉल MD2 लेफ्ट साइड लेफ्ट बार के लिए, और एक मैं बना रही हूँ राइट साइड के लिए कॉल MD10 10 पीछे बचा क्योंकि टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। तो ये है हमारा राइट साइड मेन्यू। मैं सिंपल डिजाइन बनाऊंगी इसका, आप अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा इसको और भी अच्छा बना सकते हो। तो इसमें मैं इसमें डिव ले सकते हो आप या एक अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हो डिव। इसके अंदर मैंने बनाई UL और इसमें क्लास दी मैंने नेवर बना सकते हो या सिंपल ही बना सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। नेवर इसको क्लास दी मैंने नेवर एंड UL, इसको मैं क्लास दे रही हूँ नेवर नेव एंड LI, इसको मैं क्लास दे रही हूँ नेव आइटम एंड A, इसको मैं क्लास दे रही हूँ नेव लिंक। इसमें आप नेवर ब्रांड बना सकते हो A क्लास नेवर ब्रांड में वैसे मैं प्रोफाइल पिक्चर लगाऊंगी बाद में, फॉर नाउ में इसमें ऐसे लिख रही हूँ माई प्रोफाइल या माई डैशबोर्ड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक नेम आ जाए जो भी इसका नेम है यूजर का, तो आप स्मॉल टैग में भी लिख सकते हो यूजर का नेम कैसे आएगा user.username। और उसके बाद लिंक में मैं यहाँ पे वैसे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखूँगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्यू प्रोफाइल एंड एडिट प्रोफाइल। इसमें अलग अलग ऑप्शंस आएंगी यूज़र के अकॉर्डिंग, अगर जैसे सेलर होगा सेलर के पास ऐड प्रोडक्ट वगैरह के ऑप्शंस आएंगे आगे जाके। तो ये हो गया एडिट प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉग आउट और ऑफ, यही तीन ऑप्शंस मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लॉग आउट, और चेंज पासवर्ड की भी ऑप्शन हम यहाँ पे बना देते हैं लॉग आउट चेंज। ये मैंने एक बनाया कि लेफ्ट साइड पे ये आया, ठीक है, और जो राइट साइड पे बाकी चीजें हैं जैसे कि मैंने क्लिक किया व्यू प्रोफाइल पे तो यहाँ पे कॉल MD10 में प्रोफाइल दिखे, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो एडिट की ऑप्शन इधर आए, चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो जो चेंज पासवर्ड वाला फॉर्म है वो इस कॉल MD810 में आए। मतलब ये जो है ये सभी पेजेस में इंक्लूड होना चाहिए, ये वाला पार्ट हेडर फुटर, और जो बाकी का कंटेंट है वो इस कॉल MD10 में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, मैंने ब्लॉग का नेम रखा माई ब्लॉग का नेम रखा मैंने डैशबोर्ड के लिए, ऐसे लिखा डैशबोर्ड कुछ भी लिख सकते हो आप, और इसको मैंने किया एंड ब्लॉग। अब इसमें क्या किया हुआ है मैंने, जो ये वाला डैशबोर्ड बेस है एक तो हमारी बेस फाइल में है हेडर फुटर, जो डैशबोर्ड बेस है उसमें हेडर फुटर भी है और लेफ्ट साइड पे ये वाला भी है नेवर वाला पार्ट लेफ्ट मेन्यू वाला पार्ट। तो अब जो कस्टमर का डैशबोर्ड है इसको एक्सटेंड करवाने की बजाय, इसको यहाँ से एक्सटेंड करवाने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करवाएंगे base.html की जगह इसको एक्सटेंड करवाएंगे डैशबोर्ड base.html। कस्टमर का डैशबोर्ड है ये, कस्टमर का नहीं ओपन हुआ हुआ, ये कस्टमर के लिए यहाँ पे कस्टमर के क्रेडेंशियल्स फिल करने पड़ेंगे हमें ABCD ओके हेडर फुटर तो आ गया अब ओके। इसमें ये लेफ्ट साइड वाला मेन्यू नहीं दिख रहा हमें, कस्टमर डैशबोर्ड ये है तो
एक्सटेंड दिस कस्ट डैशबोर्ड। व्यूज में हमने सही लिखा हुआ है क्या? कस्टमर डैशबोर्ड की URL और कस्ट डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड पे सेलर की डिटेल। तो जो ये वाला ब्लॉक है ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूं base.html, जो कस्ट डैशबोर्ड है इसको मैं यहाँ पे लिखूं हेलो ओके, मैंने यहाँ पे माय ब्लॉक लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेव, अब आ गया ये, सॉरी फिर मिस्टेक थी थोड़ी। तो अब इसमें ब्लॉक में कौन सा ब्लॉक बनाया हुआ है? यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो डैशबोर्ड बेस थी, एक तो बेस फाइल है, बेस फाइल में हेडर फुटर है, एक मैंने डैशबोर्ड वाले पेजेस जो होम अबाउट उसमें जो कॉमन कोड होगा उसके लिए मैंने अलग बेस फाइल बना ली। अगर आपने वही कोड को कॉपी पेस्ट करना है सभी जगह तो वो आपकी चॉइस है, वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको कोड को शॉर्ट करने का एक मेथड बताया है, तो मैंने इसकी भी अलग से फाइल बनाई, लेफ्ट मेन्यू को सेम रखा और इसमें बाकी का जो कोड आएगा इसके इनसाइड आएगा ये वाली कॉलम भी 10 में। अब ये ध्यान रखना है कि ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम के अंदर आपने डायरेक्ट कॉलम ही स्टार्ट करना, कंटेनर हो बाकी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक भी लिखा, डैशबोर्ड वाला ब्लॉक, सेव करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे जो है ये ABCD ओके यहाँ पे आ रहा है, तो ये में जो ABCD आ रहा है हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे स्मॉल में लगा दिया है, ऐसे नहीं लगाना चाहिए था हमें, तो इसको हम इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है इसी के इनसाइड पैराग्राफ में दे सकती हो आप, ABCD तो ये आ रहा है। और इसको आपने अलग कोई कलर देना है तो आप अलग कलर दे सकते हो। मैं जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड का कलर में चेंज कर देती हूँ बेस वाले का, बेस वाले की जो ब्लैक है हेडर फुटर उसको मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ अभी, बीजी डार्क की जगह यहाँ पे तो मैं करूंगी प्राइमरी। तो ये आ गया प्राइमरी, और नीचे फुटर को भी सेम ही करेंगे, यहाँ पे भी बीजी प्राइमरी, और ये चेंज हो गया। और जो ये डैशबोर्ड बेस वाला डैशबोर्ड है इस पे हम बैकग्राउंड लगाएंगे कुछ और, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी बैकग्राउंड, यहाँ पे बीजी कॉलम पे लगा रही हूँ, कॉलम पे मैं लगा रही हूँ बीजी डार्क, सेव किया। और यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड आ रही है डार्क, और अब अगर हमने डार्क को यूज करी हो बैकग्राउंड तो हम नया बार यूज करते हैं डार्क, सेव किया। तो अब यहाँ पे ये हो गया चेंज, तो अब बाकी का कोड आएगा यहाँ पे। अगर आपने इसको ज्यादा हाइट देनी है हाइट विड्थ से लगा, बाकी जब ऑप्शन ज्यादा आएंगी तो ये और ज्यादा अपने आप इंक्रीज होती रहेगी। फॉर नाउ मैं यहाँ पे, वैसे आपने ट्राई किया करो कि मार्जिन पैडिंग कम ही दो आप, मैं इसमें वैसे लगा रही हूँ PY इनसाइड पैडिंग 5, तो ये थोड़ी ज्यादा हो गया। अब इसमें हमने करना है कि जो भी यहाँ पे आए बाकी की जो होम व्यू पे प्रोफाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ व्यू प्रोफाइल वाला पेज बना लेंगे, एडिट प्रोफाइल, चेंज प्रोफाइल, लॉग आउट, ये हम ऑप्शंस पे आगे काम करेंगे। तो अब तक हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर हम लॉग इन करें जैक के साथ जैक, तो जो ये वाला डैशबोर्ड है सेलर का डैशबोर्ड है, इस पर अभी हमने काम नहीं किया, ये सिंपल मैंने रिटर्न करवाया है सेलर डैशबोर्ड। और जो अगर मैंने लॉग इन किया एज अ कस्टमर, एज अ कस्टमर लॉग इन किया तो यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स फिल की, लॉग इन किया तो हमने इसका ये वाला एक पेज बनाया है, बाकी पेजेस में हम यही पेजेस को इंक्लूड करते रहेंगे। और इसमें बाकी अगर आपने कोड लिखना है तो आप ये बेस, ये तो हम इसमें जो कस्टमर डैशबोर्ड है डैशबोर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें आप आगे जो है अगर मैंने कुछ भी लिखा, क्लास मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कंटेनर, और इसमें मैंने डिव क्लास स्टार्ट की रो, और इसके बाद मैंने डिव क्लास स्टार्ट की कॉल MD12, और इसमें मैं एक जैसे कार्ड ले रही हूँ डिव क्लास कार्ड एंड डिव क्लास कार्ड हेडर
कार्ड हेडर में मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दिया माई डिटेल्स, एंड इसके बाद मैंने डिव क्लास कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी में हम डिटेल्स दे सकते हैं यूजर डॉट फर्स्ट नेम, तो ये यहाँ पे कार्ड बन गया है, यहाँ पे आ गया है फर्स्ट नेम और यूजर यूजर डॉट लास्ट नेम, सेव किया यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे आ गया लास्ट नेम और बाकी की डिटेल आप करवा सकते हो, मतलब जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे अब ये इसके इधर आएगा, क्योंकि हमने जो ब्लॉक है कॉल एम डी टू में मैंने ये लेफ्ट मेन्यू पार्ट रखा है, कॉल एम डी टू में मैंने जो लेफ्ट की नए बार है वो रखी हुई है, और जो कॉल एम डी टेन है कॉल एम डी टेन में मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉक, और जो भी हम यहाँ पे डैश ब्लॉक डैशबोर्ड में लिखेंगे वो कहाँ पे आएगा, इस वाले कॉल एम डी एट के इनसाइड आएगा, आप कंट्रोल यू करके देख सकते हो, यहाँ पे कॉल एम डी, यहाँ पे देखो ये कॉल एम डी टेन वाले में ये कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, जो भी कुछ आप लिखोगे वो इस साइड आएगा, अब बाकी आपने इसको स्टाइलिंग वगैरह कैसे भी करनी है आप इसको कर सकते हो, एम एक्स ऑटो किया मैंने इसको, कॉल एम डी सिक्स सॉरी मैं इसको चेंज कर रही हूँ सेलर वाले को, ये रहा हमारा कस्टमर का कोड कॉल एम डी सिक्स एम एक्स ऑटो, सेव किया और ये आ गया यहाँ पे नेम आ गया, और उसके बाद आप बाकी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हो, टेबल में करवा सकते हो या जैसे भी, टेबल टी हेड रो टेबल या टी बॉडी भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, टी बॉडी और इसमें रो टी एच मैंने लिखा यूजर आईडी, देन उसके बाद यूजर की जो आईडी है वो हमें पता चले, टी डी मैंने यहाँ पे लिखा यूजर डॉट आईडी, सेव किया और यहाँ पे आ गया यूजर की आईडी, और नेक्स्ट रो में मैंने यहाँ पे करवाना चाहती हूँ यूजर का नेम, यूजर नेम जो है टी डी, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नेम में सॉरी यूजर डॉट यूजर नेम, तो जो लॉगिन यूजर होगा उसका यूजर नेम आएगा, एंड टेबल बॉर्डर, एंड देन नेक्स्ट रो में मैंने इसकी और डिटेल लिखनी है, मैंने यहाँ पे लिखा फुल नेम में मैंने यहाँ पे टी डी लिया, और इसमें पहले यूजर डॉट फर्स्ट नेम एंड यूजर डॉट लास्ट नेम, तो यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, और क्या डिटेल है हमारे पास इस यूजर की या टी एच, और यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट लॉगिन टी एच फॉर टेबल हेडिंग लास्ट लॉगिन यूजर डॉट लास्ट अंडरस्कोर लॉगिन, सेव करवाया इसको, तो यहाँ पे देखो ये आ गया लास्ट लॉगिन, और उसके बाद मैंने इसको रो स्टार्ट की और उसका टी एच लास्ट लॉगिन के बाद मेंबर ऑन, या आपने कब ज्वाइन किया है लास्ट टाइम तो आप ज्वाइन डेट लिख सकते हो यहाँ पे ज्वाइन डेट, और यहाँ पे टी डी में ये जो है ये लिख रही हूँ ये सेम रहेगा, केस सेंसिटिव है जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आएगा ये सेंसिटिव, यूजर डॉट लास्ट डेट ज्वाइन ये प्री डिफाइंड है, सेव करूँगी और इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो ये आ रहा है डेट ज्वाइन, और भी इसमें जो भी आपने डिटेल्स फिल करवानी है करवा सकते हो, कंटेनर में मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग के लिए हम लगाएंगे पी वाई,
px padding x axis left right आपने करने ignore ही करने, कम से कम करने का try करने, क्योंकि उसमें यहाँ पे horizontal वगैरह आ जाती है जिसमें से कि वो responsive नहीं रहता। तो अभी ये मैंने details fill कर दी हैं और आपने बाकी चीज़ें हमको करना है, हमें profile change करवानी है, profile pic लगानी है, वो हम आगे लगाएंगे। और इसमें हमने और इसमें अब लॉग आउट का करना है। लॉग आउट का क्यों करना है, जैसे कि ये एक कस्टमर डैशबोर्ड है, ठीक है, मैंने इसको कट कर दिया, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट कट कर दिया। अब मैंने दोबारा से इस वेबसाइट को ओपन किया, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश कस्टमर डैशबोर्ड। तो अब तो चलो ये मैंने लॉगिन कर रखा था, तो इसीलिए इस यूजर की जो लॉगिन यूजर है उसकी डिटेल यहाँ पे हमारे पास आ रही है। हमने अगर इसको लॉग आउट करवाना है, यहाँ पे देखो मैंने कट भी कर दिया इसको, दोबारा से ओपन करूंगी स्लैश कस्टमर डैशबोर्ड, क्योंकि वो लॉग्ड इन था तो इसीलिए ये यहाँ पे ओपन हो रहा है और इसमें जो लॉग इन यूजर है उसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। तो अगर हमने अब इसको लॉग आउट भी करवाना है, लॉग आउट के लिए हमने कुछ ऐसा एक फंक्शन बनाना है कि इस पे क्लिक करें तो वो लॉग आउट होके होम पेज पे यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्लैश यूजर लॉग इन, यूजर लॉग इन नहीं स्लैश कस्टमर डैशबोर्ड, तो ये कस्टमर का डैशबोर्ड आ रहा है। स्लैश सेलर डैशबोर्ड लिखूंगी तो ये सेलर का डैशबोर्ड आ रहा है। कस्टमर डैशबोर्ड पे ये कस्टमर का डैशबोर्ड आ रहा है। तो अब हमने इसको लॉग आउट करवाना है, तो ताकि जो बेसिकली लॉगिन में क्या होता है, सेशन सेट होता है, हमने उसी सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एक फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है। तो मैं यहाँ पे व्यूज जो है हमारे views.py इसको मैंने ओपन किया, एक मैंने फंक्शन बनाया यूजर लॉग आउट। लॉग आउट फंक्शन का नेम नहीं रखना क्योंकि लॉग आउट प्री डिफाइंड है, ध्यान रखनी है ये बात। मैंने यूजर लॉग आउट रखा इसका नेम और इसको किया रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट करने के बाद आपने सिंपली जो ये मैंने ऊपर फंक्शन को इम्पोर्ट किया हुआ है Django कंट्री बॉथ, उसमें से आपने लॉग आउट को जो है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो इसके बाद लॉग आउट को इम्पोर्ट करने के बाद आपने इसी को कॉल करवाना है जो लॉग आउट फंक्शन ऊपर किया है, इसमें पास कर दो रिक्वेस्ट कि जो ये इस रिक्वेस्ट में यूजर है उसको हमने करना है लॉग आउट। और लॉग आउट करवाने के बाद आपने कहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करवाना है वो रिटर्न कर दो, रिटर्न कि लॉग आउट होने के बाद HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, लॉग आउट होने के बाद वो पहले से होम पेज पे चला जाए, सेव कर दे इसको। तो अब और इसको कॉल कब करवाना है, यहाँ पे लॉग आउट पे जब क्लिक करें तो पहले इसका URL बनाएंगे, जब भी कोई व्यू बनाना है इसको यूज करना है तो उसका URL तो बनेगा ही बनेगा। और इसकी मैं ये URL फाइल ओपन कर रही हूँ और इस पे हमने लिखा पाथ, पाथ में ये मैंने सेम रखा, व्यूज में से हमने इसको कॉल किया और इसका जो नेम है नेम में रखूंगी दिस वन यूजर लॉग आउट। और इसी हमने एंकर पे अब लिंक लगाना है, तो मैंने बताया हुआ है आपको कि जब एंकर पे हम लिंक लगाते हैं तो ये नेम एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, और जो हमने पेज बनाया था इसका बेस डैशबोर्ड बेस, यहाँ पे लॉग आउट की ऑप्शन है, वहीं पे हम लॉग आउट के क्लिक के ऊपर हमने लॉग आउट फंक्शन को कॉल करवाना है। तो मैंने कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज URL, URL में जो आपने उसका नेम दिया है वो नेम लिख दो, सेव करवाया और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। तो अब ये लॉग आउट होने पे जो है यहाँ पे देखो चला गया। अब मैं उस पेज को ओपन करूँगी, अगर कस्टमर के डैशबोर्ड को ओपन करूँगी तो यहाँ पे देखो ये ओपन तो हो रहा है, इसका ही मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगी। ओपन तो ये हो रहा है बट यहाँ पे देखो इसकी डिटेल नहीं आ रही, पेज तो हमने URL लिख दिया तो ओपन तो वो होगा ही बट उस पे यहाँ पे इसकी डिटेल जो है वो नहीं आ रही, इस पेज पे जो उसकी डिटेल है वो नहीं आ रही, नहीं यूजर नेम फर्स्ट नेम फुल नेम कुछ भी नहीं आ रहा। ये कब आएगी, अगर हम लॉगिन करवाएंगे सिर्फ तभी आएगी। सेलर को भी आप देख सकते हो सेलर डैशबोर्ड को, तो यहाँ पे भी वेलकम सेलर डैशबोर्ड वेलकम यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, नन आ रहा है क्योंकि कोई यूजर लॉग्ड इन नहीं है, इट मींस कि सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, यूजर लॉग आउट हो चुका है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो जैसे देखो अब मैं यहाँ पे अगर लॉग इन करवाती हूँ ABCD और यहाँ पे मैंने लिखा ABCD या कोई और यूजर, थिंक मैंने यहाँ पे बनाया 1
तो शिनचैन यूजर जो है, यूजर आईडिया 6, यूजर नेम है शिनचैन और यहाँ पे फुल नेम प्रिंट हो रहा है, कब हमने उसका अकाउंट क्रिएट किया था और लास्ट टाइम कब लॉगिन किया था, ये डिटेल वो आ रही है, लास्ट लॉगिन हम अभी हमने किया है और ये डेट ज्वाइंड आ रही है और बाकी चीज़ें आ रही हैं। और उसके बाद अब अगर लॉग आउट करोगे तो ये लॉग आउट होकर पहले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और अब हमने अगर ये भी करवाना हो कि अगर अगर इसमें लॉगिन नहीं है, अगर हमने अभी कोई भी लॉगिन नहीं है तो उसको वो यहाँ पे जा ही ना सके, जो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना, तो ये ओपन हो ही ना, डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो ही ना। ये सिर्फ तब ओपन होना चाहिए अगर यूजर जो है वो लॉगिन है, लॉग्ड इन है, सिर्फ तभी ओपन होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके लिए हम डेकोरेटर फंक्शन यूज करेंगे। डेकोरेटर फंक्शन आपने इंपोर्ट करवाना है व्यूज के अंदर, views.py, इसमें हम डेकोरेटर फंक्शन यूज करेंगे फ्रॉम django.country.auth.decorators import login required function। डेकोरेटर क्या होते हैं, एक फंक्शन होते हैं जो कि फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट लेते हैं। पहले हमने लॉगिन रिक्वायर्ड को कॉल किया तो लॉगिन रिक्वायर्ड फंक्शन जो है वो कॉल होगा और चेक करेगा कि वेदर यूजर इज लॉग्ड इन और नॉट। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो वो फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होगा जिस पे आपने डेकोरेटर लगाया होगा। जो चीज़ें हमने की अभी बोली है मैंने, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है ये। तो मैंने ये लॉगिन रिक्वायर्ड को किया है इम्पोर्ट। अब जो ये वाला है कस्टमर का डैशबोर्ड और सेलर का डैशबोर्ड, अब कोई भी यूजर लॉग इन नहीं है फिर भी अगर मैं यहाँ पे कस्टमर डैशबोर्ड लिख रही हूँ तो ये ओपन हो रहा है कस्टमर का डैशबोर्ड पेज, अगर मैं यहाँ पे सेलर डैशबोर्ड लिखूंगी तो सेलर का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली लिख दो @ लॉगिन रिक्वायर्ड, जो आप चाहते हो कि सिर्फ तभी कॉल हो अगर यूजर ने लॉग इन किया हुआ है, तो उसके ऊपर एक डेकोरेटर लगा दो लॉग इन रिक्वायर्ड। अब आप देखोगे सेव कर रखा है मैंने। अब अगर आप ऐसे URL को ओपन करोगे स्लैश, मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर डैशबोर्ड, ये देखो यहाँ पे आ गया पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे ये देखो URL में एग्जैक्ट उसने बता रहे कि इसको हम ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पे 404 एरर आ गई कि यहाँ पे अकाउंट लॉगिन आ गया। देखो कि जब तक ये लॉगिन नहीं होगा तब तक हम ये पेजेस को ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ तभी ओपन होंगे अब ये पेज अगर यूजर लॉग्ड इन होगा। लॉगिन किया, लॉगिन में मैंने यूजर की डिटेल्स फिल की शिनचैन और यूजर में मैंने लिखा 1 पासवर्ड में लॉगिन किया, अब ये ओपन हो गया। अगर हमने लॉग आउट करवा दिया, लॉग आउट करवाने के बाद ये पेज जो है ओपन नहीं होगी। और इसमें एक और छोटी सी बात इसमें मैंने आपको बतानी है, ये देखो ये लॉगिन हुआ है यूजर, यहाँ पे लॉग आउट की ऑप्शन आ रही है, URL में अभी भी लॉगिन की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे देखो लॉगिन करवाने का ये लॉगिन फॉर्म ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं चाहती हूँ कि ये जो है साइन अप और लॉगिन यहाँ पे ना शो हो, ये सिर्फ साइन अप और अगर यूजर ने लॉगिन कर ही रखा है तो उसको क्या जरूरत है न्यू अकाउंट क्रिएट करने की या लॉगिन करने की दोबारा से। तो ये जो है ऑप्शन नहीं आनी चाहिए इधर अगर यूजर लॉगिन है। इसके लिए एक छोटा सा कोड है, यहाँ पे सिर्फ अगर यूजर लॉगिन है तो यहाँ पे वेलकम और उस यूजर का नेम आना चाहिए, और अगर लॉगिन नहीं है तो ये साइन अप और लॉगिन आने चाहिए। इसके लिए छोटा सा कोड है, पहले तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे है। ये जो हेडर फूटर है वो है बेस फाइल में, तो मैं वही base.html को ओपन करूंगी। base.html को ओपन करेंगे दिस वन, और इसमें मैं यहाँ पे है ये साइन अप और लॉगिन, लॉगिन और साइन अप जो है कहाँ पे है, ये रहा साइन अप और लॉगिन। मैं चाहती हूँ कि ये तब ओपन हो जब अगर यूजर लॉगिन नहीं है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे इफ यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। यूजर लॉगिन ऑथेंटिकेटेड तभी होगा अगर वो लॉगिन है, लॉगिन है तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर लॉगिन है तो यहाँ पे हमने कुछ और प्रिंट करवाना है, अदरवाइज ये वाला कोड हमने शो करना है। मतलब ये वाला कोड जो है साइन अप और लॉगिन सिर्फ तभी शो होगा अगर यूजर लॉगिन नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं
मैंने इसको किया रिफ्रेश, ये देखो यहाँ से ये चला गया, व्यू नहीं शो हो रहा, यहाँ पे आना चाहिए इस केस में, यहाँ पे वेलकम और उस यूजर का नेम ही आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे या सिंपल पैराग्राफ में कर दो, या इसको थोड़ा इसी एंकर टैग में भी कर सकते हो आप, कि रेफरेंस में कुछ भी नहीं करना मैंने, और यहाँ पे आना चाहिए वेलकम, जो भी इस यूजर का नेम है, यूजर डॉट यूजर नेम, सेव करवाया। अब देखो अगर तो ये यूजर लॉगिन है तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम और इस यूजर का नेम, और अगर ये यूजर लॉग्ड इन नहीं है, अगर ये आपने आउटलाइन वगैरह नहीं करवाना, तो इसको आप रिमूव करवा सकते हो। नैव लिंक सिंपल बनाया मैंने इसको, तो ये आ रहा है वेलकम, ये आ रहा है, और अगर मैंने लॉग आउट कर दिया तो यहाँ पे लॉग इन और साइन अप की ऑप्शन आ रही है। आई होप सो आपको जो भी मैंने किया है सभी चीज़ें क्लियर होगी। आपने इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है, तो इसको हम थोड़ा सा जो है रिवाइज कर लेते हैं, जो जो भी हमने आज किया है इस ट्यूटोरियल में। मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि हमने क्या क्या इसमें हमने किया है। तो पहले तो हमने किया है HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट अकॉर्डिंग टू यूजर टाइप, कि अगर स्टेटस कौन सा है, टाइप स्टेटस एक्टिव है, अलग पेज डैशबोर्ड ओपन हो, अगर वो सुपर यूजर एडमिन है तो एडमिन पैनल पे चला जाए, सेलर है सेलर डैशबोर्ड, और कस्टमर है तो कस्टमर डैशबोर्ड। उसके बाद टेम्पलेट इनहेरिटेंस इन डैशबोर्ड पेजेस, कि जो है इसमें हमने इसमें क्या किया हुआ है कि जो एक मैंने बनाया था कि एक तो था मेन बेस डॉट एच टी एम एल, एक थी बेस डॉट एच टी एम एल फाइल, और इसको हमने इस ये है एक मैंने बनाई थी इसमें डैशबोर्ड बेस डॉट एच टी एम एल, डैशबोर्ड बेस डॉट एच टी एम एल को इनहेरिट किया था बेस फाइल से, और जो बाकी पेजेस हैं उसको हमने इनहेरिट किया ये वाले डैशबोर्ड बेस में। तो After login pages from dashboard base.html base.html में थे header footer, और dashboard base वाली फाइल में है header footer और साइड बार भी थी लेफ्ट साइड पे जिसमें ऑप्शंस आ रही थी। अगर आपने सभी के अलग अलग पेजेस बनाने हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, आपको इसमें कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप बेस से ही इनहेरिट करवाओ जैसे पहले कर रहे थे, और बाकी में अपना अपना कोड लिख सकते हो, सभी में अलग अलग लेफ्ट साइड बार बना सकते हो, बट यही है कि इसमें जो कोड है कोड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। और इसके बाद हमने किया, हमें दोबारा दोबारा से चीजों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा अगर हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज करते हैं। उसके बाद फेच लॉगिन यूजर डाटा, कि जैसे यूजर डॉट नेम लिखा, यूजर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखा, कैसे आपने उसको HTML से HTML में फेच करवाना है लॉगिन यूजर की डिटेल्स को। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लॉग आउट लॉग आउट यूजर लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट करवाना अगर आपने यूजर को, देन उसके बाद अगर हमने करवाना हो कस्टमाइज ऑप्शंस यूजिंग ऑथेंटिकेशन, जैसे कि हमने अगर तो यूजर लॉग इन है ऑथेंटिकेटेड है तो हमने उसको शो करवाया वेलकम, और अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको हमने शो करवाया साइन अप और लॉग इन, और बस इसमें आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। मैंने सबसे पहले व्यू में किया था, व्यू में हमने अलग अलग पेजेस बनाए, कस्टमर डैशबोर्ड सेलर डैशबोर्ड और लॉग आउट, लॉग आउट पे हमने बिल्ट इन लॉग आउट फंक्शन को कॉल करवाया, लॉग आउट करवाने के बाद कौन से पेज पे जाना है वो हमने यहाँ पे डिसाइड किया, और उसके बाद यहाँ पे एक है कस्टमर डैशबोर्ड, एक है सेलर डैशबोर्ड, और एक मैंने बेस फाइल बनाई, बेस फाइल में हेडर फूटर तो होगा ही, बेस डॉट एच टी एम एल तो होगी, और इसमें लेफ्ट साइड पे एक मैंने नेवर बनाई, और इसके ऊपर वर्किंग आगे हम करेंगे फर्दर ट्यूटोरियल्स में करेंगे, कि कैसे एडिट प्रोफाइल चेंज पासवर्ड और व्यू पास प्रोफाइल की आपने ऑप्शंस को और ज़्यादा अच्छा बनाना है। और उसके बाद
आप मैंने यहाँ पे कुछ प्रोफाइल वाले में जो है कस्टमर के डैशबोर्ड में कुछ यहाँ पे क्रिएट किया था टेबल और प्रोफाइल को देखने के लिए। आगे हम इसमें करेंगे कि अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है या कुछ और इसमें आगे चीजें एड ऑन करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।